Welcome you all in this class Unlocking Wits. We are reading the first chapter of Vistas, the third level, written by Jack Finney. We read how Charlie raised the third level. One summer night, Charlie worked late at the office. In a hurry to get back home, he decided to take the subway from Grand Central. He crossed the arched doorway, heading for the subway, and got lost. The narrator strongly feels that the Grand Central is growing like a tree and pushes out new corridors and stairs like roots. The narrator walks down a corridor. He finds nobody but hears the empty sounds of his own footsteps. He finds himself at the third level at Grand Central Station. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट चार्ली बड़ी ही आसानी से थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, जहां पर उसको छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं और कुछ टिकट विंडोज़ दिखती हैं और ओपन फ्लेम गैस लाइट दिखती है जो फ्लिकर कर रही है, और एक इंफॉर्मेशन बूथ दिखाई देता है जो लकड़ी से बना हुआ है और बहुत पुराना दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आगे उसको और क्या क्या दिखाई देता है जो उसको ये मानने के लिए तैयार करता है कि वह जहाँ चल रहा है वो थर्ड लेवल है। There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. चार्ली बताते हैं कि वहाँ थर्ड लेवल में उनको ब्रास स्पिटून्स दिखाई दिए जो फर्श में रखे हुए थे। स्पिटून्स कंटेनर्स फॉर स्पिटिंग इनटू, जिनको हम लोग पेकदान कहते हैं, वो फर्श में रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के उस पार देखने पर अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई, उनकी नज़र एक ग्लिंट ऑफ लाइट में पड़ी। ग्लिंट ऑफ लाइट, अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, उनको एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई दी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी ने अपनी वेस्ट पॉकेट से, वेस्ट आप एक हाफ जैकेट को कह सकते हो, तो उसने अपनी वेस्ट की पॉकेट से क्या निकाला, आप एक गोल्ड वॉच निकाली। एंड ही स्नैप्ड टू ओपन द कवर, और जल्दी से उसने उसका कवर खोला। ग्लांस्ड एट इट वॉच, अपनी घड़ी पर देखा, एंड फ्रॉन्ड, और फ्रॉनिंग किया, ऐसा लगा कि उसे वो घड़ी में जो टाइम उसने देखा वो टाइम उसको पसंद नहीं आया। फ्रॉनिंग किया उसने, अपनी आईब्रोज को ऊपर किया। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फोर बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बियर मुस्टिच। ये जो आदमी था, इसने डर्बी हैट पहनी हुई थी और एक ब्लैक कलर के फोर बटन वाला सूट पहना हुआ था विथ टाइनी लेपल्स, जिसमें छोटे छोटे लेपल्स लगे थे। लेपल्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द कोट, ओके, जो कोट के सामने वाला हिस्सा होता है और जो अंदर की ओर मुड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेपल्स। तो उसने ऐसे ब्लैक फोर बटन सूट पहना था और जिसमें टाइनी लेपल्स लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बियर मुस्टिच, हैंडल बियर दैट इज कर्व्ड अपवर्ड्स एट ईच एंड, ऐसी मुछें जो अपने दोनों छोरों से ऊपर की ओर मुड़ी हों। तो उसकी जो मुस्टिच थी वो हैंडल बियर थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. जब मैंने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो स्टेशन पर मैंने देखा कि वहाँ जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने 1890 के अराउंड के कपड़े पहने हुए थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. चार्ली बताते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन भर में इतनी प्रकार के बियर्ड, साइडबर्न्स और मुस्टचेस, जो फैंसी फैंसी मुस्टचेस थे, वो कभी नहीं देखी। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला ट्रेन गेट से अंदर आई। सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन सूज, उसने हाई बटन सूज पर स्कर्ट पहनी थी और बहुत टाइट स्लीव्स की ड्रेस पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, उसके पीछे बाहर पटरियों पर मेरी नज़र एक लोकोमोटिव पर पड़ी, एक इंजन पर पड़ी। अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइब्स लोकोमोटिव्स विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू,
और जो लोकोमोटिव था वो बहुत छोटा था, क्यूरियर एंड आइब्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, जिसकी जो चिमनी थी वो फनल शेप की थी। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चला कि मैं कोई दूसरे लेवल में चल रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो लोगों के कपड़े और वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का जो लोकोमोटिव्स था, ब्रास स्पिटून्स थे, ग्लिंट ऑफ लाइट थी, और हैंडल बियर मुस्टचेस थे, और फैंसी मुस्टचेस, साइड बर्न्स, और ये सारी चीज़ें देखकर मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट और सेकंड लेवल में नहीं बल्कि थर्ड लेवल में किसी और ही दुनिया में हूँ। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। चार्ली कहते हैं कि इस बात की श्योरिटी के लिए कि मैं थर्ड लेवल में हूँ, मैं न्यूज़ बॉय के पास गया और उसके पैरों के पास पेपर्स का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। मैंने उन पर देखा, उन पर नज़र डाली। इट वॉज़ द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड था, एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। लेकिन कई बरसों से द वर्ल्ड नाम का कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड। इसकी जो लीड स्टोरी थी, इसकी जो मेन स्टोरी थी इस न्यूज़पेपर की, वो प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। और इसका जो फ्रंट पेज था वो मैंने पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में कभी ढूंढा था। एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894, और इस पर लिखा था 1894, 11 जून का ये पेपर था और 1894 की बात थी। तो चार्ली को लग रहा है कि ये जो द वर्ल्ड है, ये न्यूज़पेपर अब तो छपना बंद हो गया, और इस पेपर में जो स्टोरी लिखी है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, वो स्टोरी 11th जून 1894 की है। तो वो श्योर होते जा रहे हैं कि वह इस अपनी जो प्रेजेंट उनकी टाइमिंग थी उस टाइम से बहुत पहले की टाइमिंग में वो चल रहे हैं। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो नोविंग दैट देयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। चार्ली बताते हैं कि मैं टिकट विंडो की ओर मुड़ा ये जानते हुए कि ग्रांड सेंट्रल में जो थर्ड लेवल है वहाँ से अगर मैं किसी भी तरीके से लुइजा और अपने लिए टिकट्स खरीद सकूँ तो हम दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ चाहें वहाँ जा सकते थे। इन द ईयर 1894, और 1894 के ईयर में यात्रा कर सकते थे। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनोइज, और क्योंकि मुझे गेल्सबर्ग इलिनोइज बहुत पसंद था, मैं वहाँ के लिए दो टिकट्स खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अभी भी बहुत वंडरफुल टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ पे बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम के हाउसेज बने हुए हैं, यूज लॉन्स, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत विशाल पेड़ हैं हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड, जिसकी जो ब्रांचेज हैं वो ऊपर एक दूसरे से मिल जाती हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और पूरी गलियों को, सड़कों को ढक देती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 की जो समर इवनिंग्स थी वो जितनी होती हैं उससे दुगनी लंबी थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, सारे लोग अपने अपने लॉन्स में बैठे हुए थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो वहाँ के जो पुरुष थे वो सिगार पी रहे थे और बड़े आराम से बातें कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, महिलाएं पाम के पत्तों से बने हुए जो फैन होते हैं उसे हवा दे रहे थे, फैनिंग कर रहे थे। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों ओर फायर फ्लाइज थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत ही शांत दुनिया थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अगर हम इस दुनिया की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी 20 सालों के बाद होना था, 20 साल पहले की दुनिया थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 20 साल पहले की दुनिया थी। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और इस दुनिया में
40 years के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट। और मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ वर्ल्ड वॉर अभी हुआ नहीं था। बहुत शांत जगह थी, बहुत सुंदर जगह थी। द क्लर्क फिगर द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड बट ही फिगर द फेयर। जब मैं टिकट विंडो पर गया तो वहाँ का जो क्लर्क था वो पैसे गिनने लगा, पैसों को देखने लगा। और उसने एक बार मेरे फैंसी हेड बैंड को भी देखा, उसको थोड़ा अजीब लगा होगा मुझे देख के, बट ही फिगर द फेयर। लेकिन फिर उसने पैसे देखना शुरू किया, पैसे गिनना शुरू किया। एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट्स वन वे। और एक तरफ जाने के लिए टू कोच टिकट्स का मेरे पास काफ़ी पैसा था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर की ओर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। क्लर्क मेरी ओर घूर कर देख रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने बिल्स के लिए अपनी गर्दन हिलाई। जो मैं पैसे उसको दे रहा था उसके लिए उसने अपनी गर्दन हिलाई। दैट आर्न्ट मनी मिस्टर, उसने बोला, ये पैसे नहीं हैं सर। ही सेड, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राइंग टू स्किन मी दैट इज चीटिंग मी, उसने बोला, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बचकर नहीं निकल पाओगी। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, उसके बगल में जो कैश ड्रॉअर था जहाँ पर वो कैश रखता था, उस पर उसने देखा। ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। और जब मैंने उसके ड्रॉअर पर नज़र डाली तो मैंने देखा कि जो उसके ड्रॉअर में पैसा था वो ओल्ड स्टाइल का था, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज। जो पैसा, जो करेंसी हम आजकल यूज करते हैं, उसका वो आधे साइज का था। एंड डिफरेंट लुकिंग, बिल्कुल अलग दिख रहा था। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और बड़ी तेज़ी से बाहर निकल गया। क्यों? देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894 में भले ही कितनी शांति थी, लेकिन जेल का विचार तब भी वहाँ पर अच्छा नहीं था। जेल जाने का जो विचार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मीन्स जेल जाने से तब भी डर ही लगता था, जेल जाने से इंसान डरता था। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। चार्ली बताते हैं, जैसी क्लर्क ने मुझे बोला कि मैं उनको धोखा दे रहा हूँ और इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा, बस फिर क्या था, मैं आगे नहीं बढ़ा और मैं जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो अगले दिन क्या किया मैंने, लंच टाइम में बैंक में हमारे पास जो $300 थे वो मैंने निकाल लिए और उन $300 की मैंने ओल्ड करेंसी खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिक फ्रेंड, इससे मेरे जो दोस्त थे वो थोड़ा परेशान हो गए। यू कैन बाई ओल्ड करेंसी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। चार्ली ये भी बताते हैं कि आप लोग किसी भी कॉइन डीलर से ओल्ड करेंसी खरीद सकते थे, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको उसका प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम मीन्स उसका जो पैसा है वो ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा पैसे में कम वैल्यू की करेंसी आपको मिल जाती है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मेरे $300 के बदले मुझे ओल्ड स्टाइल के 200 से भी थोड़ा कम मिले। बट आई डिंट केयर, लेकिन मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी, मुझे कोई चिंता नहीं थी कि मुझे ज़्यादा पैसे में कम पैसे मिले। मेरी जो करेंसी थी वो ज़्यादा थी, उसके बदले मुझे जो ओल्ड करेंसी थी वो कम मिली, इसका मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। क्यों? एक्स वर्थ 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, इसमें चार्ली बताते हैं। तो खाने के लिए तो वहाँ पे 1894 में अंडे तो मिल ही जाते थे, और जो वहाँ पे जो एग्स मिलते थे वो 13 सेंट्स के आ जाते थे। एक दर्जन जो एग आते थे वो 13 सेंट्स से आ जाते थे, तो फिर ज़्यादा पैसे का क्या करना था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। लेकिन एक बड़ी अजीब सी घटना घटती है चार्ली के साथ। अभी तक उनको रोज़ थर्ड लेवल का वो कॉरिडोर, थर्ड लेवल का वो गेट दिखाई देता था, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अब इसके बाद वो कॉरिडोर जो थर्ड लेवल को ग्रैंड सेंट्रल को जाता था वो दिखा ही नहीं कभी।
जबकि मैंने उसके वहाँ जाने की बहुत बार कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे वो थर्ड लेवल को जाने वाला कॉरिडोर नहीं दिखाई दिया। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब मैंने लुइजा को ये सारी बातें बताई तो वो थोड़ा परेशान हुई एंड डिंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और वो मुझसे बोल रही थी कि अब मैं थर्ड लेवल की खोज बिल्कुल भी ना करूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। और कुछ दिनों के बाद मैंने थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन की ओर फिर से वापस चला गया क्योंकि मेरा शौक था। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन अब हम दोनों ही हर वीकेंड पर ढूंढने लगे, थर्ड लेवल को ढूंढने लगे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल नाम की कोई जगह अभी भी अपने अस्तित्व में है। और प्रूफ क्या था? माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड। मेरा जो फ्रेंड था सैम वीनर, वो गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर। कोई जानता ही नहीं था वो गायब कहाँ हुआ था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा था कि सैम एक सिटी बॉय था। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। मैं अक्सर उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर। वहाँ से मैं स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और वो हमेशा मुझे कहता था कि उसे उस जगह की साउंड बड़ी अच्छी लगती है। एंड दैट्स वेयर ही इज। और वह अभी वहीं है। ऑल राइट इन 1894। इसमें कोई शक नहीं है कि वह 1894 में वहाँ पर था। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली कह रहे हैं कि एक रात मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में कुछ अननेसेसरीली एक्साइटमेंट दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित हो रहा था अपने स्टैम्प कलेक्शन को लेके, आई फाउंड मुझे कुछ मिला। वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट रिकवर इज। और वो पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं फर्स्ट रिकवर क्या होता है। अब वो बताते हैं कि फर्स्ट रिकवर होता क्या है। क्या होता है फर्स्ट रिकवर? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड। जब कोई गवर्नमेंट अपने कंट्री में कोई नया टिकट जारी करती है तो जो ये टिकट को कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम कुछ टिकट्स को ख़रीदते हैं एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो जब ये टिकट बिकना शुरू होता है तो अपने बिक्री के पहले ही दिन में स्टैम्प कलेक्टर क्या करते हैं, एक लिफाफे में स्टैम्प लगाकर अपने खुद के पते पर उस लिफाफे को पोस्ट करते हैं, मेल करते हैं। एंड द पोस्टमार्क प्रूफ्स द डेट। और जब उनको वो लिफाफा पोस्ट ऑफिस से उनके घर में आता है तो उसमें जो पोस्टमार्क लगा होता है, पोस्टमार्क प्रूफ द डेट, उस डेट को प्रूफ कर देता है कि उन्होंने किस दिन वो एनवलप मेल किया था जिसमें उन्होंने स्टैम्प लगाए थे। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। और ये एनवलप फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन्ड। और इन लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता। क्यों? यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। क्योंकि आप अपने आप को ही जब कोई लिफाफा भेजते हो बाई पोस्ट तो उसमें आप क्या लिखोगे? तो कुछ लोग क्या करते थे, खाली ब्लैंक पेपर एनवलप में रख के अपने नाम पर भेज देते थे, तो उसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस फर्स्ट डे कवर को कभी खोला नहीं जाता था, इसको ऐसे ही स्टैम्प कलेक्शन में रखा जाता था। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। उस रात मैंने अपने जितने पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उन फर्स्ट डे कवर्स में आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। मुझे एक ऐसा कवर मिला जो वहाँ पहले नहीं था। बट देयर इट वॉज। लेकिन ये आज यहाँ मिला। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। किसी ने मेरे दादाजी को उनके गेल्सबर्ग के घर के पते पर ये एनवलप, ये फर्स्ट डे कवर मेल किया था। That is what the address on the envelope said. यह address उस envelope पर लिखा हुआ था। And it had been there since July 18, 1894। और यह जो लिफाफा था इस पर जो डेट पड़ी हुई थी वह डेट ये दिखा रही थी कि ये लिफाफा 18 July 1894 का है। Yet I didn't remember it at all। लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में ज़रा सा भी याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज
अ 6 सेंट डल ब्राउन, स्टैम्प 6 सेंट का था, डल ब्राउन था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेयरफील्ड, और इस पर जो इस टिकट पर जो पिक्चर लगा हुआ था वो प्रेसिडेंट गेयरफील्ड का था। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रांट इट इन द मेल, और ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब ये लिफाफा दादाजी की डाक में आया होगा, दादाजी के मेल में आया होगा, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, और सीधे सीधे यह उनके कलेक्शन में चला गया होगा। एंड स्टेड देयर, तब से यह वहीं पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और यह तब तक वहाँ पड़ा रहा जब तक मैंने इसको देखा नहीं और इसको खोला नहीं। और जब मेरी नज़र इस लिफाफे पर पड़ी तो मैंने इसको खोलना चाहा, क्योंकि मेरे लिए बड़ी एक नई घटना थी इस लिफाफे का यहाँ पर मिलना। और जब मैंने लिफाफा खोला तो नॉर्मली जो स्टैम्प कलेक्टर होते थे वो लिफाफे के अंदर एक ब्लैंक पेपर भी रख देते थे, लेकिन इस लिफाफे के अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रीड, इस लिफाफे के अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, इसमें कुछ लिखा हुआ था। इसमें क्या लिखा हुआ था? 941 बिलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनोइज, जुलाई 18, 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। चार्ली, मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएँ हैं कि तुम अच्छे हो गए। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, चार्ली ये बात बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेबल, मैंने थर्ड लेबल को ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और 2 वीक्स से मैं यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और अभी इस समय में डेली के भवन की एक नीचे जो गली है वहाँ कोई पियानो बजा रहा है, वहाँ पर हूँ। एंड दे आर ऑल आउट इन फ्रंट ऑफ पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और वे सारे लोग अपने पोर्च में खड़े हैं और सीइंग नेली होम गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे इन्होंने लेमोनेड पर भी इन्वाइट किया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली और लुइजा, आप वापस आ जाओ और थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक थर्ड लेवल तुमको मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, यह जो थर्ड लेवल है यह ढूंढने योग्य है, मेरा विश्वास करो, यह बहुत अच्छा है। तो ये जो एनवलप चार्ली को मिलता है उस पर चार्ली के लिए एक लेटर लिखा हुआ है, और उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। द नोट इज साइंड सैम, और उस लेटर पर एक साइन किया गया है और वो साइन सैम विनर के हैं, जो चार्ली का फ्रेंड है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 फॉर द ओल्ड स्टाइल करेंसी। स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जब मैं गया तो मुझे पता चला कि सैम ने $800 की पुरानी कीमत की करेंसी पहले से ही खरीद ली थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और इतनी बड़ी रकम में वो आराम से एक हे फीड और ग्रेन बिजनेस शुरू कर सकता था, चारे का और अनाज का बिजनेस शुरू कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट इज वट ही रियली विस्ट ही कुड डू, वह हमेशा कहता था कि वह जो चाहता है उसे वह कर सकता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से अब वह अपने पुराने बिजनेस में तो नहीं जा सकता था। पुराना बिजनेस उसका जो हे फीड और ग्रेन का बिजनेस था, इस बिजनेस को वो शुरू नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनोइज इन 1894 में वह गेल्सबर्ग इलिनोइज में अपना पुराना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता था। वाई? सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा अब साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, वह एक मनोचिकित्सक था। वह अपना पुराना बिजनेस जो उसका ग्रेन का और हे का था उसको शुरू नहीं कर सकता था। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस लेसन, होप यू एंजॉयड दिस, थैंक यू।